एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने 4 फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू होने वाले नामांकन स्थल का पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में 4 फरवरी से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसके लिए 9 न्यायालय बनाए गए हैं और नामांकन को सम्पन्न कराने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है तथा पुलिस की भी ड्यूटी चुनाव कार्यालय में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी से 11 फरवरी तक आम नागरिकों के लिए गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक कलेक्ट्रेट में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा केवल प्रत्याशी ही अपने प्रस्तावकों के साथ आ सकेंगे। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनीष यादव, अरविंद कुमार यादव, अभिनव मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, इधर से भी तो होगा ना, इधर तीन भी लग रहा है, तीन इधर तीन। ये तो सही है, तीन उधर है, 5 इधर है, 1 उधर है, पीछे उधर है। प्रारंभ हो रहा है, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है, क्या तैयारी है? ये जो बैरिकेटिंग कराई जा रही है, उस बैरिकेटिंग का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। बैरिकेटिंग अभी जारी है, जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट है सारे जगह बैरिकेटिंग कराई जाएगी, बैरियर लगाया जाएगा और तैयारी उसी की तैयारी का निरीक्षण हम लोगों ने किया है। कितने फोर्सें लगभग फोर्स अभी बताई जाएगी, आप लोगों को बताई जाएगी, चुनाव कार्यालय से फोर्स लगाई जा रही है, उसके विषय में अलग से बताया जाएगा।